नए साल में नई उड़ान। स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान के तहत प्रत्येक रविवार को लगने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का रविवार को जिले में नगरीय और ग्रामीण 79 केंद्रों पर आयोजन किया गया। आयोजित स्वास्थ्य मेले में 1514 पुरुष, 2392 महिला और 604 बच्चों सहित कुल 4510 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया, जिसमें 113 लोगों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का गोल्डन कार्ड बनाया गया। आयोजित मेले में 205 लीवर रोगी, 297 स्किन रोगी, 30 टीवी रोगी, 243 गर्भवती महिलाओं की जांच और 1836 अन्य रोगियों को देखने के साथ ही कुल 77 रोगियों को विभिन्न कारणों से जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए जानकारी दी गई। मेले में कुल 161 चिकित्सकों और 591 पैरा मेडिकल कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जिले में सकुशल सम्पन्न हुआ है। मेले में भारी संख्या में पहुंचे मरीजों का उपचार के साथ साथ उन्हें अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। इस दौरान आईएमए और नर्सिंग एसोसिएशन ने भी अपने योगदान करने की बात कही, जिससे इसे और बेहतर ढंग से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का लाभ दिया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, सबको निकालना मोटा फोन है। आज 24 जनवरी को 79 जगहों पर हमारा स्वास्थ्य मेला, जन आरोग्य मेला लगा हुआ था, जिसमें कुल 161 डॉक्टरों ने पार्टिसिपेट किया और कई नर्सिंग होम में, जैसे संजीवनी नर्सिंग होम ने भी और कई नर्सिंग होमों ने भी हमारे मेले में, हमने बुलाया था तो वो स्वागत था, उन लोग आए और अस्पतालों में जाकर बैठ करके उन्होंने अस्पतालों को देखा और वहां के महामरीजों को भी देखा और फ्यूचर में भी उन्होंने वादा किया है कि हम हर इतवार को, रविवार को जो मेला लगेगा हम लोग आएंगे और मरीजों को, बड़ी मरीजों को सहयोग करेंगे अपने स्टाफ के साथ में, अपने मशीनरी के साथ में, अपनी दवाई के साथ में, तो उनका हमने वेलकम किया। और टोटल आज के दिन में हमने 4510 मरीजों को देखा है और 113 गोल्डन कार्ड बनाए गए, 243 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और टीवी के भी 30 मरीजों को देखा गया। सबसे ज्यादा चर्म रोग के मरीज आए, जो 597 मरीज चर्म रोग के थे। इस तरह से टोटल 4510 मरीज देखे गए। 77 मरीजों को हम लोगों ने हायर सेंटर पर इलाज के लिए रेफर किया। तो हमारा स्वास्थ्य मेला बहुत ही सक्सेसफुल रहा और पर डे बाय डे हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सहभागिता हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके भी मरीज हैं जो उनके नर्सिंग होम में जाके इलाज नहीं करा सकते हैं और उनके नाम से भी वो हमारे सरकारी अस्पताल में आकर के इलाज कराएंगे, उनसे इलाज कराएंगे तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। मतलब ये इतने प्राइवेट लोगों को आपने इनिशिएट किया है। आईएमए ने यहाँ सीतापुर हॉस्पिटल में संडे के दिन वो लगाते हैं, अपना कैंप लगाते हैं हर संडे को। जी जी, तो इसमें क्या आईएमए से आपकी बात हुई है? आईएमए और नर्सिंग एसोसिएशन दोनों से बात हुई थी हमारी, एक हमारे ऑफिस में लोग आए थे, मीटिंग हुई थी, तो दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके जितने भी सेंटर, शहरी सेंटर और ग्रामीण सेंटर, हमारे जितने नर्सिंग होम्स हैं,
हम सब लोगों को कहेंगे पास के जो भी सेंटर है उस पर वो नर्सिंग होम लोग जाएंगे और वहां पर निःशुल्क सेवा देंगे, निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराएंगे वो लोग। नहीं, उनके पास हमने ये भी ऑफर किया है कि आपके पास अगर सैंपल की दवाइयां हैं तो उसको भी आप ले आए, और अगर आपके ऐसे तो हमारे पास दवाइयां पर्याप्त हैं और हमारे जांचें भी पर्याप्त हो रही हैं, लेकिन अगर स्पेशल कोई जांच वो लोग करना चाहते हैं तो आकर के मरीजों की देखें और सेवा करें उसकी। और सभी लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया और हम दोनों लोग गवर्नमेंट के और प्राइवेट दोनों लोग मिल करके पब्लिक को अच्छी सुविधा देंगे।